नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे इनडिटरमिनेट फॉर्म। यस, जैसा मैंने बताया था कि ये एक तो आईएससी बोर्ड के सिलेबस में है 12th क्लास के, और प्लस जो कंपटीशन लेवल की प्रॉब्लम्स हैं वहां पे लिमिट में आपको ये पोर्शन मिलेगा। ठीक है जी। तो कल हमने एमएल अग्रवाल यानी कि 12th आईएससी के अकॉर्डिंगली पहली दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी थी। आज हम थर्ड एक्सरसाइज की बात करते हैं। थर्ड एक्सरसाइज है बच्चों, देखिएगा इसमें तीन फॉर्म है। टोटल मैंने इंडिटरमिनेट फॉर्म 7 बताई थी आपको, ध्यान हो तो 0/0, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, एक इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट, 1 की पावर इन्फाइनाइट, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 एंड 0 × इन्फिनिटी। तो पहली चार फॉर्म हम पहली दो एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। अब आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 एंड 1 की पावर इन्फिनिटी, या कह सकते हो एक ढंग से कि जो एक्सपोनेंशियल टाइप की फॉर्म है वो आज हमें पढ़नी है। सिंपल है बच्चों, इसमें भी कुछ स्पेशल ऐसा नहीं है। आइए एक देखते हैं हम एग्जांपल 1 पहले। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x की पावर x, ठीक है साहब। तो हम क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है लेट इज a इक्वल टू दिस, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए इधर भी और इधर भी, ये लॉग a लॉग x की पावर x। अब ये प्रॉपर्टी होती लॉग की, x इधर आ जाएगा x लॉग x। अब यहां अगर मैं 0 प्लस यहां वैल्यू देता हूं तो ये बच्चों 0 × इन्फिनिटी, ये 0 × इन्फिनिटी यानी कि ये वाली फॉर्म बन जाएगी दिस, ठीक है जी। तो अब इसे क्या करूं मैं, अब इसको हम एक काम करते हैं, एक्स को नीचे ले जाते हैं, 1/x कर देते हैं। अब आप इसमें लिमिट रखिए, सॉरी, अगर बेस ई है और ये 0 प्लस है, ये बच्चों माइनस इंफिनिटी जाएगा, यहां पे लॉग एक्स, बेस तो ई है। अब मैंने एक्स जो है वो 0 प्लस लिया है, 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो इसकी वैल्यू माइनस इंफिनिटी जाएगी। कोई नहीं, 0 × इन्फिनिटी या माइनस 0 × इन्फिनिटी एक है। अब लॉग एक्स ओवर 1/x, अब आप इसको रखिए, जब यहां रखेंगे 1/0 × इन्फिनिटी, तो यानी कि इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी की फॉर्म आ गई। कैसी फॉर्म बन गई, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। हमेशा ध्यान रखना है क्या, कि हमारा एल हॉस्पिटल रूल तभी लगेगा जब हमारी फॉर्म 0/0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी की होगी। तो सिंपल, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, लॉग एक्स का 1/x, 1/x का माइनस 1/x2, तो सिंप्लीफाई होके एक्स आया, लिमिट रख दीजिए, तो लॉग ए बेस इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू ई की पावर 0, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, ध्यान हो तो, लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू ए की पावर वाई, ये पढ़ी हमने या नहीं पढ़ी लॉग में प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों। ये आपका आंसर आ गया। एक प्रॉब्लम और देखिए, एग्जाम्पल 4 है, ये एग्जाम्पल है 4 आपका। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 sin x की पावर cot x, अगेन ये मान लो दोनों तरफ लॉग लीजिए, तो लॉग 1 sin x की पावर cot x, cot x इधर आ गया। अब यहाँ पे लिमिट रखिए, क्या बनेगी ये फॉर्म, x को जब 0 रख दूंगा sin 0 0, यानी कि log 1 0, तो फिर ये 0 × इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई। कैसी फॉर्म बन गई, 0 × इन्फिनिटी। अब मुझे चूंकि एल हॉस्पिटल रूल लगाना है इसमें, तो मुझे 0/0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी की फॉर्म चाहिए, तो मैंने इसे log 1 plus sin x over 10 x कर दिया। अब लिमिट रखिए, तो ये 0/0 की फॉर्म बन गई, देख लीजिए आप, tan 0 0 और ऊपर का भी 0 हो जाएगा। बस डिफरेंशिएट कर दीजिए, log 1 plus sin x का 1/sin x और 1 plus sin x का 1/0 sin का cos x, tan का sec square x, अब ये sec square ऊपर जाके cos square हो गया। अब लिमिट रख दीजिए, cos क्यूब 0/1 sin 0, तो cos 0 1 होता 1/1 plus 0, यानी कि 1/1, तो 1 हो गया, तो log a बेस e इक्वल टू 1, तो यहां से a की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, e की पावर 1 मींस e,
बात समझ में आई या नहीं आई? इस ढंग से इस एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को आप लोग करेंगे, करिए नोट इसको। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। यस, ये है लिमिट x टेंड्स टू c, 2 माइनस x ओवर c की पावर 10, ये 10 है, 10 पाई x ओवर 2c। यहां का बच्चों मैं डायरेक्ट लिमिट रख दूं तो यहां देखिए यहां पे बनती पावर इंफिनिटी की फॉर्म बन गई, अरे c बाई c पर 2 माइनस 1 बन और बनती पावर इंफिनिटी, ठीक है जी। तो ठीक है, अब क्या करें, वही फिर दोनों तरफ इसको ये मान लो, लॉग ले लो, ये बन गया 10 पाई x ओवर 2c इनटू लॉग दिस। अब ये लॉग ओवर इसको कॉट लिख दीजिए, अब यहाँ पे आप लिमिट रखेंगे तो क्या बन जाएगी, ये 0/0 की फॉर्म बन गई। और आपको बताया था मैंने 0/0 की जब फॉर्म हो जाती है तो उसमें हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएट 1/2 माइनस x ओवर c और फिर 2 माइनस x ओवर c का 2 का 0 और माइनस x ओवर c का यानी कि माइनस 1/c। यहाँ पे बच्चों माइनस हो रहा है और इधर cot पाई x बाई 2c का कितना हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर पाई x बाई 2c और x पाई ओवर 2c का पाई ओवर 2c, ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है सर। ये क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया माइनस माइनस। अब ये एलसीएम लेके इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2c माइनस x ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर पाई एक्स ओवर 2c और ये ऊपर रिप्लेस होकर 2c ओवर पाई बन जाएगा, ठीक है। अब लिमिट रख दो c 1/2c माइनस c और इधर ये 2c ओवर पाई साइन स्क्वायर पाई c ओवर 2c, भैया ये 2c और ये c इंटू पाई साइन स्क्वायर पाई बाई 2 1 हो गया, c से c गया 2 ओवर पाई, तो लॉग a इक्वल टू 2 ओवर पाई, ए की वैल्यू ए की पावर 2 ओवर पाई होगा कि नहीं होगा, बोलो बच्चों। यस, अब देखिए एक्सरसाइज में है 6.3 में इस थर्ड का फर्स्ट, क्या है ये लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस cot x की पावर 1 ओवर log x। तो चलिए बच्चों दोनों तरफ यानी कि इसे a मान के दोनों तरफ log ले लीजिए, तो क्या बना log cot x ओवर log x, log cot x ओवर log x बना कि नहीं बना, बोलो बच्चों। तो ये क्या फॉर्म बन जाएगी, जल्दी से बोलिए, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई है, बन गई कि नहीं, तो आप इस्माइल हॉस्पिटल रूल लगाइए, log cot x का 1 ओवर cot x का माइनस cosec स्क्वायर x और log x का 1 ओवर x। अब इस x को घुमा के ऊपर ले गया और ऊपर जाकर 10 हो गया और cosec नीचे आके sin स्क्वायर हो गया, माइनस बाहर था। अब मैंने क्या करा, इस टेन एक्स को साइन एक्स ओवर कॉस एक्स लिखा, साइन स्क्वायर एक्स का एक साइन एक्स ये ले लिया और एक ये ले लिया और ये एक्स इधर आ गया। ऐसा क्यों करा मैंने, क्योंकि ये साइन से साइन कैंसिल हुआ और एक्स साइन एक्स ओवर साइन एक्स लिमिट वन हो जाएगी, ठीक। इधर ये क्या हो गई 1 ओवर कॉस 0, ये लिमिट रखूंगा मैं माइनस बाहर था, माइनस 1 ओवर कॉस 0 इंटू 1 यानी कि माइनस 1, तो log a बेस c माइनस 1 है तो a कितना होगा, e की माइनस e की पावर माइनस 1 यानी कि 1 ओवर e। बोलो बच्चों क्लियर हुई बात या नहीं हुई, करिएगा नोटिस है। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक्सरसाइज की है ये फिफ्थ का फर्स्ट, 6.3 एक्सरसाइज की है बच्चों। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस sec x की पावर cot x, ठीक है जी। a इक्वल टू इसे मैंने a मान लिया, अब दोनों तरफ log ले लो, log a इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस, ठीक। अब ये कितना बन जाएगा, log sec x की पावर cot x, अब नेक्स्ट cot x इधर आ गया, log sec x cot x को नीचे ले आओ यानी कि 10x, ये बच्चों इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई है। एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, log sec x का 1 ओवर sec x, sec x का sec x 10x, 10x का sec स्क्वायर x, इस sec से sec गया और 10x, इस 10x को मैंने sin x ओवर cos x लिख दिया
और sec स्क्वायर ऊपर जाके cos स्क्वायर x हो गया, एक cos से cos बच गया, तो ये बना sin x cos x, लिमिट रख दो sin pi by 2 cos pi by 2, और sin pi by 2 होता 1 cos pi by 2 0, तो ये 0 हो गया, तो log a equal to 0, तो a equal to e की पावर 0, यानी कि 1, ये ले रहा बच्चों, यह है 6 का सेकंड, लिमिट x tends to 0, e की पावर x plus 4x की पावर 1 over x, चलिए दोनों तरफ सॉरी इसको a मान लो, दोनों तरफ log लीजिए, क्या बन गया ये log e की पावर x plus 4x over x, ये 0 by 0 की फॉर्म बन गई, करिए डिफरेंशिएट, log e की पावर x plus 4x का 1 over e की पावर x plus 4x, और into e की पावर x plus 4x का e की पावर 4x, सॉरी e की पावर x और 4x का 4 और x का नीचे 1, अब इसमें डायरेक्ट लिमिट रख दीजिए, e की पावर 0 plus 4, e की पावर 0 plus 4 into 0, e की पावर 0 हो गया 1, 1 plus 4 over 1 plus 0, क्या आया 5, तो log a equal to 5, a कितना हो जाएगा, a equal to e की पावर 5, बात बच्चों समझ में आई या नहीं आई, तो ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म की आपकी थर्ड एक्सरसाइज थी, मुझे उम्मीद है कि कोई भी समस्या नहीं है, और इसको जब भी आप करने बैठेंगे पूरे चैप्टर को मुश्किल से 4-5 घंटे में पूरा चैप्टर आप कंप्लीट कर देंगे तीनों एक्सरसाइज, ठीक है बच्चों, तो कर लीजिए इसको, कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं, थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।